संहिता लागू है सर, और बिहार दिवस सर नज़दीक है सर, ऐसे इस मौके पर क्या सब कार्यक्रम आयोजित होगा और किस तरह से होगा सर? बिहार दिवस जो है यहाँ पे इलेक्शन के थीम पे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सेसिबल इलेक्शंस जो है इस बार बिहार स्थापना दिवस में हमारा थीम रहेगा, और आदर्श आचार संहिता जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डायरेक्शंस है उसका अक्षरशः अनुपालन जो है यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कैलेंडर ऑफ इवेंट्स में शामिल है और ऑनगोइंग प्रोग्राम है, तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर। एक बात और करेंगे सर, सर ये आचार संहिता तो लागू है सर पूरे ज़िले में, मधुबनी ज़िले में, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरोधात्मक क्या क्या कार्रवाई हो रही है सर, व्यवस्था हो रही है सर? निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए सीआरपीसी के प्रावधान है, जिसके तहत जो है एसडीओ को सक्षम पदाधिकारी पहले से ही पावर्स दिए गए हैं, तो एसडीओ लोग जो है कैंप कोर्ट के माध्यम से जो है धारा 107 के तहत जो है लोगों को जो है निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो है फ्लाइंग स्क्वाड्स, इसके बाद स्पेशल सर्वेलेंस टीम्स हमारी गठित की गई है और जो है ये कार्य कर रही है। हमारा एक्सपेंडिचर कोषांग जो है अभ्यर्थी बाय कोषांग, उनकी भी फ्लाइंग स्क्वाड्स है, वो भी जो है निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो है जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा, नॉमिनेशन के डेट्स नज़दीक आएंगे, ये गतिविधियाँ जो हैं बढ़ाएंगे। अभी तत्काल जो है इलीगल कैश लीकर इत्यादियों को जो है कैसे हम पकड़े, इस संदर्भ में है छापेमारी भी की जा रही है, आदर्श आचार संहिता के भी यहाँ पे कार्रवाइयाँ बहुत सारी हो रही है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आज सब्जी खरीद करके खत्म करोगे तो ये रूट कैसे यूज करोगे? ये सर यहीं पर 10 लाइन जो सरकार जो है कम्युनिकेशन से कंप्लीट खाना बनाएंगे 10 लाइन से।